आज का पहला सेमीफाइनल पख्तून वर्सेस वर्ल्ड 11, बहुत ओल्ड राइवल्स हैं ये। पख्तून को 140 तक रिस्ट्रिक्ट किया पहले बॉलिंग करते हुए वर्ल्ड 11 ने, और उसके बाद बहुत एक्सीलेंट चेज, बहुत डोमिनेंट रहे पूरे मैच में वर्ल्ड 11 वाले, और 15.3 ओवर में 141 चेस किया। क्या कहेंगे जी फराज आज की परफॉर्मेंस के बारे में अपनी टीम की? सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड 11 को मुबारकबाद दूंगा कि वो अच्छा खेले, बस बैड लक कह सकते हैं। स्टार्ट बॉलिंग में स्टार्ट जो था अच्छा हो गया था, पहले 4 से 5 आउट ऊपर से ही हो गए थे, उसके अलावा उसके बाद जो हमारी बैड लक शुरू हुई। बिल्कुल, आपका वो एक ना नजर नहीं आ रहा था कि पख्तून सेमीफाइनल खेल रही है, जो बॉलिंग आप कर रहे थे, क्योंकि शायद पहले 6 ओवर अच्छे गए, उसके बाद लूज वैसे ही कर दिया मेंटली आपने। नहीं, लूज तो नहीं कर दिया, बस कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी आज तबीयत खराब। चले बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, नेक्स्ट लीग में आप और अच्छा परफॉर्म करें। इस बार भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत एक्सीलेंट थी, सो वेल डन। और आज के विनिंग कैप्टन, कंटिन्यूस स्ट्रीक चल रही है 6 मैचेस की, 6ठा मैच लगातार आप लोग जीते हैं, क्या कहेंगे उमर अमीन अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज कामयाबी दी। सुबह जब आए हैं तो टॉस था तो विकेट गीला था, तो यही प्लान था कि इनको 130-140 तक रखना है, और वैसे ही किया। बॉलिंग प्लान हमारा बिल्कुल ठीक था, और बैटिंग में यह था कि जाकर थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और वो जाकर बिल्कुल, मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो करेक्ट डिसीजन हो रहा है आपकी टीम के लिए, अल्लाह ताला साथ दे रहे हैं। जबरदस्त जी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज के मैन ऑफ द मैच वंस अगेन, क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच और सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच इमरान, 40 बॉल्स पे 60, एक्सीलेंट इनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैटिंग की बहुत जरूरत थी और आपने बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी। आपका मन लग रहा है आपको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, जितने शानदार शॉट्स खेल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बॉल बिल्कुल नजर आ रहा था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, फाइनल में भी आई होप टीम के लिए ऐसी परफॉर्मेंस दें। वेल डन, मैं इनवाइट करूंगा इस वक्त नुमान को, इनको मैन ऑफ द मैच का प्राइज दें। आज का सेकंड सेमीफाइनल, बहुत क्रूशल मैच, गर्मा गर्मी वाला मैच, शहीन 11 वर्सेस मारखोर। शहीन 11 ने पहले बॉलिंग की और 191 बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग स्कोर पोस्ट किया मारखोर ने, उसके बाद आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। एक वक्त में शहीन 11 ने मैच को जीतते हुए नजर आ रहे थे, मगर एकदम कोलैप्स हुआ और फिनिश किया मैच 132 पर ऑल आउट हुई शहीन। क्या कहेंगे रजा भाई आज की परफॉर्मेंस के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई वुड लाइक टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें सेमीफाइनल खेलने की यानी इस्तेआत बख्शी, इसके लिए अल्लाह का शुक्र है। और मैच बड़ा अच्छा हुआ, होप फॉर द बेस्ट नेक्स्ट जो है आपका टूर्नामेंट। आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली यू उमर भाई, आपने बड़ा अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म दिया सबको, यहाँ आके जो है ना आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि ये हम अच्छी क्रिकेट खेल। आज ये देखा गया आपकी टीम के फील्डिंग एरर्स बहुत ज़्यादा हुए, मतलब 5 to 6 कैचेस मैंने ड्रॉप होते देखे, तो उसको क्या ऐसा प्रेशर लगी टीम या क्या हुआ ऐसा? ये भी कह सकते हैं आप, बड़े मैच का प्रेशर तो होता है, नो डाउट। इसमें 103 रन पड़ा लास्ट 6 में, वहां से गेम सारी चेंज हो गई। सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय मारखोर। हमारे साथ है विनिंग कैप्टन एसएन भाई जी, बहुत शानदार परफॉर्मेंस देती हुई मारखोर आ रही है, डोमिनेट कर रही है ओवरऑल टूर्नामेंट में। सो क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के बारे में? तला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी, जिस मतलब हमारी टीम मतलब इतना अच्छा आउट क्लास खेली है, हमारी बैटिंग टोटली फ्लॉप जा रही थी, लेकिन बड़े मैच में हमारी जिस तरह बैटिंग चली है बहुत जिम्मेदारी ली यासिर भाई और फरजाद ने, सब ने आउट क्लास, मतलब हर बंदे ने अपना पार्ट अदा किया है। मतलब 190 स्कोर छोटा स्कोर नहीं होता है वो बड़े मैच में, हमें पता था हम शुरू में वो स्टार्ट देंगे, उनके पास एक दो बैट्समैन है जो हमें तंग करेंगे, मतलब हमारा माइंड था पहले, लेकिन हमने प्रेशर नहीं लिया इसका, हमें पता कि जहाँ पे एक ब्रेक तो मिलना है हमने मैच निकाल लेना। बिल्कुल, इस मैच में मैंने डिफरेंस देखा, इन्होंने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े, कोई कैच ड्रॉप नहीं किया, हाई कैचिंग बहुत अच्छी थी, यही डिफरेंस था। एक्जैक्टली कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, तो आज के मैच का डिफरेंस भी यही था। सो बेस्ट ऑफ लक मारखोर आपके नेक्स्ट मैच फाइनल मैच के लिए। और आज के हमारे मैन ऑफ द मैच, बहुत टफ डिसीजन हमारे लिए किसको मैन ऑफ द मैच दें, फरजाद के 50 बॉल्स पे 73 रन्स, और उसके साथ साथ आतिफ भाई जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं ओवरऑल टूर्नामेंट में भी। आतिफ भाई ने 16 बॉल्स पे 46 रन, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, फास्टेस्ट 50 होने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, और उसके बाद 3 विकेट, और इस वक्त 20 विकेट के साथ टॉप विकेट टेकर है हमारे इस टूर्नामेंट के। सो आज के मुश्तरका मैन ऑफ द मैच है फरजाद एंड आतिफ भाई। फरजाद क्या कहेंगे इतनी जिम्मेदारी के साथ आप खेले? पहले तो हमने आपको देखा जिम्मेदारी, आपने मुजाहरा किया जिम्मेदारी का, सेमीफाइनल खेल रहे थे तो स्कोर भी बनता था, ऊपर से क्लैप्स होने लगी थी विकेट, तो इस वजह से कैप्टन ने भी कहा था। नहीं बिल्कुल, आपने बहुत ज्यादा मैच्योर इनिंग खेली आज, सो ऐसी फाइनल में भी टीम के लिए परफॉर्म करें, आई होप ऐसे ही आप में आप विन करवाएं अपनी टीम को ट्रॉफी। जी आतिफ भाई,
آپ نے آج مجھے کریکشن ہوئی ہے کہ تین نہیں چار آؤٹ کیے ہیں اور 21 وکٹس ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. تو آپ نے پہلے بھی کیا گراسی وکٹ میں آپ کو بڑا مزہ آتا ہے بال کرنے کا, بیٹنگ میں کیا ہوا آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اچھی بالنگ اور اچھی ٹیم ایفرٹ کی وجہ سے ہم آج فائنل میں پہنچ گئے ہیں. ایز اے ٹیم آپ کھیلتے رہے اور فائنل میں ورلڈ 11 کا فائنل ہے, سو بہت ٹف فائنل ہونے والا ہے, سو بیسٹ آف لک فور یور فائنل میچ. ابھی میں انوائٹ کروں گا افریدی اینڈ عثمان کو کہ ان کو مین آف دی میچ کا پرائز دیں, اور یہ شیئر کریں گے ہمارے فرجاد اینڈ عاطف بھائی.